तो सुनो मेरी बात, सबसे पहले टाइगर आए, फिर रणबीर, फिर ऋतिक। मावशी जी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अपनी गलती मानूंगा मैं? नहीं नहीं, बेसिक सी चीज है, सबको पता है, सबसे पहले ऋतिक आए। अरे मोदी जी, इनका तो बेसिक क्लियर नहीं है, इनका बेसिक क्लियर कराओ आप। तीनों इंडस्ट्री के बालक है, आपको कोई समस्या नहीं, मेरे को कोई समस्या नहीं। मोदी जी, सॉरी मित्रों, हर दूसरे तीसरे मिनट में मोदी जी का नाम लेता हूं ना, आदत पड़ गई तो निकल जाता है मुझसे। ऋतिक आए, अपना दौर बनाया, सुपरस्टार बन गए, सेम फॉर रणवीर। टाइगर श्रॉफ आए, जंप किया, 69 एब्स बनाए, कड़ी पत्ता बन गए। कड़ी पत्ता। तो बस इसी बारे में बात करेंगे कि टाइगर से कहां गलती हो रही है। न्यू कार्ड, टाइगर की हीरोपंती 2014 में आई थी, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए उनको काम करते हुए और 10 ही मूवीज आ चुकी है। उनका मेन्यू कार्ड मतलब फिल्मोग्राफी सेम डिश से भरी पड़ी है। टाइगर आएंगे, कपड़े खोलेंगे, नाचेंगे, एक दो जंप लगाएंगे, मूवी खत्म। हाँ, ये बात अपन मानते हैं कि बॉलीवुड में टाइगर जैसा और कोई बंदा नहीं है जो ऐसे स्टंट कर पाए, पर अगर डेली 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 तुमको शाही पनीर दिया जाएगा तो तुम उससे भी उब जाओगे भैया। रणबीर और ऋतिक का मेन्यू कार्ड देखोगे तो उसमें कभी दाल है, कभी पनीर है, तो कभी विदेशी कुजिन्स है। वो अपनी हर नई मूवी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। दोनों ने अपनी हर एक मूवी के साथ एक अलग बार सेट किया है जो पिछली मूवी के टेस्ट से अलग होती है। अब मैं तुमको एग्जांपल तो देने बैठूंगा नहीं, खुद देख लो यार तुम। पिकअप सीट, रॉकेट सिंह, रॉकस्टार, तमाशा, एनिमल, ब्रह्मास्त्र, क्रिश, लक्ष्य, गुजारिश, काबिल, सुपर 30। टाइगर भैया जी की तो मूवी के टाइटल में भी एफर्ट नहीं डालते। हीरोपंती 1-2, बागी 1-2-3, चलो नया नाम दे देते हैं गणपत। अच्छा, गणपत के साथ तो अलग ही खेल खेला गया है, मूवी फ्यूचर में सेट है, पर यहाँ पर भी अपने टाइगर भैया वही काम कर रहे हैं जो बागी और हीरोपंती में कर रहे थे। टपोरी बोलेंगे, जंपिंग करेंगे, डांसिंग करेंगे, उछल के दौड़ा, तुम्हारी पिक्चर खत्म। तो अगर एक मेन्यू कार्ड में तो सेम डिश को हजार बार लिखा गया है और दूसरे मेन्यू कार्ड में अगर 5 डिश है वो अलग अलग है, तो दूसरा वाला ही प्रिफर करोगे ना बाबू? दो बूंद जिंदगी की। अच्छा, बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक्टिंग, दूसरा हार्ड वर्क। क्या बात कर रहे हो, टाइगर कितना हार्ड वर्किंग है, जल्दी उठता है, डांस करता है, मार्शल आर्ट करता है, बचपन से जिम जा रहा है, बॉडी देखी क्या, 69 एब्स है। अब सुनना मेरी बात और गौर से सुनना और समझना अपने दिमाग में कि टाइगर की जिंदगी में दोनों ही बूंदों की कमी है। एक्टिंग की तो अपन बात ही नहीं कर रहे, वो अपन को पता है कि टाइगर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। रणवीर और ऋतिक इतना आगे हैं इस मामले में कि टाइगर अगले जन्म ही उनकी एक्टिंग की बराबरी कर पाएंगे। और यहाँ जिस हार्डवर्क की बात हो रही है वो समझना तुम, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो क्राफ्ट के ऊपर की जाती है। एक किरदार को स्टोरी के अनुसार वास्तविकता में उतारने के लिए जो मेहनत की जा रही है उसकी बात कर रहा हूँ। चाल ढाल, भाषा और पहनावे पे जो काम किया जा रहा है उसकी बात हो रही है। टाइगर का लुक उनकी 10 की 10 मूवीज में सेम है। अच्छा, भाषा तो दूसरी बोल लेते हैं, हाँ ज्यादा से ज्यादा टपोरी बोल लेते हैं, पहनावे की बात, भैया जी कपड़े पहनते कहाँ है, नंगे घूमते हैं। अगर आप रणवीर और ऋतिक को देखोगे तब पता चलेगा कि मैं कौन से हार्ड वर्क की बात कर रहा हूँ। उठा के देखो, सुपर 30, गुजारिश, क्रिश वॉर, एनिमल, वेकअप सीट, तमाशा, रॉकस्टार, रॉकेट सिंह, जब भी इन मूवीज को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी कैरेक्टर की जरा नहीं देख रहे हैं, पर अपनी टाइगर जी की मूवी का ओनली टाइटल बदलता है। ओए गलती हो गई, टाइटल भी कहां बदलता है, 1-2-3 लगा देते हैं। मूवी कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए जो हार्ड वर्क किया जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। सेल्फ डेवलपमेंट में तो भैया जी ने झंडे गाड़ रखे हैं। कड़ी पत्ता, ये तुमको एक स्पेसिफिक टेस्ट देता है, तुमको खाने में डालने से पहले पता रहता है कि इसका स्वाद ऐसा रहेगा। सेम टाइगर के साथ ही बिकेम कड़ी पत्ता, मूवी के साथ जब टाइगर का नाम जुड़ता है उससे पहले अपन को पता चल जाता है कि भैया डांस होगा, उछल कूद होगी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्टोरी गई तेल लेने। जबकि बाकी दोनों खिलाड़ियों की मूवीज की बात करें तो ट्रेलर देखने के बाद भी पता नहीं चलता कि क्या देखने को मिल जाएगा थिएटर में। अगर एग्जांपल की बात करूं तो टाइगर 3 के एंड में अपन को ग्लिम्स देखने को मिले वॉर 2 के, नाउ वी आर उत्तेजित कि वॉर 2 के अंदर क्या मामला होने वाला है। वहीं रणबीर कपूर राम जी बनने वाले हैं, रामायण का तो हर चीज अपन को पता है कि कहां क्या होने वाला है, फिर भी रणबीर कपूर को एज ए राम जी देखने के लिए अलग ही हाइप है। टाइगर आ रहे हैं अक्षय कुमार के साथ, वो भी नई मूवी लेके, बड़े मियां छोटे मियां में। मूवी में क्या देखने को मिलेगा अपन को पहले से पता है, और तुम अपना उत्तेजना लेवल चेक करके बता दो। नो हार्ड फीलिंग्स, माइन इज जीरो। टाइगर कड़ी पत्ता बन गया जो सबको पसंद नहीं आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि कड़ी पत्ता को खाने वाले लोग ही नहीं बचे, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। रणबीर और ऋतिक के साथ ये है कि उनको अपनी लिमिट्स नहीं पता, वो हर मूवी के साथ अपनी लिमिट्स को पुश करते जा रहे हैं, एक नया क्राफ्ट लिखते जा रहे हैं, एक नए किरदार के साथ अपने सामने आते जा रहे हैं, बाउंड्रीज को जोर लगा के पुश कर रहे हैं। पर जब आप टाइगर का काम देखोगे, उनकी फिल्मोग्राफी देखोगे, तो अपन को समझ आएगा कि ही नोज हिज लिमिट्स। उनको पता है कि एक्टिंग उनका सेलिंग पॉइंट नहीं है, तो वो ओनली एक्शन मूवीज ही करते हैं। अगर आप हीरोपंती 2 और गणपत को छोड़ दो ना, तो उनकी मूवीज रिकवर कर लेती है, पर जब बड़े बजट की बात आती है तो टाइगर मल्टी स्टार वाली मूवी में घुस जाते हैं। आपको एग्जांपल पता ही है वॉर का, अभी छोटे मियां बड़े मियां आ रही, बड़े मियां छोटे मियां यार कुछ भी कर लो ऊपर नीचे, फिर सिंघम आ जाएगी अगेन, सिंघम 3। इससे टाइगर को और पुश मिल जाता है, ऑडियंस को भी कुछ नया देखने को मिल जाता है, पर टाइगर वही करते हैं उसमें भी। जब आदमी अपने काम को लेकर, अपनी लिमिट्स को लेकर सेल्फ अवेयर होता है ना, तो उसकी नैया पार लग जाती है। इसी वजह से टाइगर ने बॉलीवुड में अपनी जगह तो बना ली,
लिए, पर जब बात आती है ना नेक्स्ट सुपरस्टार की लिस्ट में उनको रखने की, तब वहां मात खा जाते हैं। बच्चों के बीच टाइगर की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, और जब टाइगर एक्शन करते हैं तो वो काफी ज्यादा बिलीवेबल लगता है, बिकॉज ही इज ट्रेंड फाइटर। पर पंगा ये आ जाता है कि वो बॉलीवुड की स्टीरियोटाइप मास मसाला एक्शन मूवीज के अंदर ही फंस के रह गए। वो इंडिया के सबसे बड़े एक्शन सुपरस्टार बन सकते हैं या थे? जब अपन मूवीज देखते हैं जैसे जॉन विक, तो उनका एक्शन जो है अपन को काफी यूनिक और ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि उन मूवीज के एक्शन को डिजाइन और कोरियोग्राफ जो किया जाता है पूरी मेहनत के साथ किया जाता है, टाइम दे के किया जाता है। पर टाइगर की मूवी के एक्शन की बात करो कि दो बार उछल कर लात नहीं मारी तो मूवी खत्म ही कैसे होगी। मुझे अभी भी याद है जब पहली बार हीरोपंती के ट्रेलर में मैंने टाइगर को एक्शन करते हुए देखा, तो मेरे को लगा बाप रे कुछ नया आ रहा है। पर उसके बाद हर मूवी के अंदर यही चल रहा है सर जी का। आपको क्या लगता है, टाइगर को नेक्स्ट सुपरस्टार की लिस्ट में रखा जाएगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को। बाकी अगर तलब लग रही है तो ये दोनों वाले वीडियो भी चेकआउट कर लो, और ज्यादा उत्तेजना हो रही है तो पूरा चैनल ही चेकआउट कर लो। बाय बाय।